हेलो स्टूडेंट, तो हम पार्ट तीन पढ़ रहे थे परिवर्तन। ये चैप्टर हमने हाफ चैप्टर रीड कर लिया था, तो अब हम आगे रीड करेंगे आज। तो आप आ जाइए पेज नंबर 17 पे, नीचे से सेकंड लाइन। पेज नंबर 17 पे नीचे से सेकंड लाइन, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। मास्टर साहब गांव की समस्या जानते थे। उन्होंने एक काम और किया। स्कूली पढ़ाई के बाद वे एक घंटा बच्चों को रोके रखते। इस घंटे में वे ऐसे छोटे छोटे काम बच्चों से कराते जिससे उन्हें कुछ पैसे भी मिल सकें। गांव का बनिया हर सप्ताह शहर का चक्कर लगाता था। उससे उन्होंने रद्दी अखबार मंगवा लिए थे। बच्चे उनके लिफाफे बना देते। बनिया जब शहर जाता तो उन्हें बेच आता। जो पैसे आते अपने अपने काम के हिसाब से सभी बच्चों को लागत निकाल कर दे दिए जाते। इसी प्रकार उन्होंने धीरे धीरे और भी काम प्रारंभ करवा दिए। सूतली की पट्टी, मूंज के आसन, ढाक के पत्तों के दोने पत्तल आदि बनाने का काम बच्चे बड़ी कुशलता से करने लगे। गांव से कोई ना कोई व्यक्ति तो शहर जाता ही था। मास्टर जी उसी से कहकर उन्हें बेचकर बिकवा दिया करते। इससे बच्चे महीने में कुछ रुपए तो कमा ही लेते थे। इस पर भी यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे की पढ़ाई रुकवाता तो मास्टर जी उसके घर जाकर उसे समझाते कि इस समय यह भले ही तुम्हें पैसे कम लाकर दे रहा है, परंतु बड़ा होकर यह तुम्हें खूब सुख देगा। अपने बच्चों के भविष्य पर कुल्हाड़ी न मारो। किताब कापी आदि सभी तो स्कूल से ही दे दी जाती है, क्यों अपने बच्चे को इससे वंचित रखकर उसे भी अपने जैसा ही बनाना चाहते हो। मास्टर जी के बार बार समझाने का यह परिणाम होता कि वह व्यक्ति बालक के कमाए थोड़े से पैसों से ही संतोष करता और उसे स्कूल भेज देता। मास्टर जी के प्रयासों से अभिभावकों के मन में यह भाव जग गया था कि हम भले ही भूखे रह लेंगे पर अपने बच्चों को शिक्षित अवश्य बनाएंगे। तो क्या बताएं, मास्टर जी बच्चों को स्कूल के बाद भी एक घंटा रोक लेते और फिर क्या करते, जो रद्दी पेपर होते हैं उनसे लिफाफे बनवाते। और जो बनिया था उस गांव का, वो हर सप्ताह शहर जाता रहता था, हर सप्ताह एक बार शहर जाकर आता था। तो वो जो लिफाफे बच्चे बनाते उन लिफाफों को वो बनिया जो है वो शहर में बेच आता और फिर जो लागत हुई उसको निकाल कर जो भी बच्चों के लिए रुपए वो हिस्से में आते वो सब बच्चों को दे दिए जाते थे। और इसके साथ ही उन्होंने और भी काम प्रारंभ किए थे, जैसे सूतली की पट्टी बनाना, मूंज के आसन, ढाके पत्तों के दोने पत्तल आदि भी काम जो है वो बच्चे करने लगे थे। और जो भी गांव का कोई व्यक्ति शहर जाता तो उसके साथ वो शहर में बेचने के लिए भेज दिए जाते थे। फिर भी कोई अगर कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने से मना करते तो मास्टर जी खुद उनके घर जाकर उन्हें समझाते बुझाते और कहते कि अभी भले ही ये कम कमा रहा है लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन जाएगा, अच्छा काम करेगा, तब तुम्हें बहुत सारे रुपए कमा कर देगा, तुम्हें बहुत सुखी रखेगा। और इसका असर ये हुआ कि अभिभावक जो थे, जो माता पिता थे, उनके मन में ये भाव जा गया कि हम भूखे भले ही रहें लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ज़रूर। आगे देखते हैं। सच्ची लगन और निष्ठा से किए गए कार्य में कभी ना कभी निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मास्टर साहब को भी अपने प्रयासों में सफलता मिली, न केवल बालकों में अपितु बड़ों में भी वह पढ़ने की लगन जग चुकी थी। मास्टर साहब उन्हें न केवल साक्षर बना रहे थे अपितु अच्छे संस्कार भी दे रहे थे। व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, ये उनकी शिक्षा के तीन लक्ष्य थे। इस कार्य में सबसे बड़ा सहयोग उनके विद्यालय की बालक सेना दे रही थी।
पूरे गांव की सफाई करना, बरसात में गड्ढे भरना आदि अनेक कार्य वह करती थी। गांव की दीवारों पर उन्होंने सुंदर सद्विचार लिख दिए थे जो आने जाने वालों को प्रेरणा दिया करते थे। मास्टर साहब के संकल्प एवं अध्यवसाय ने गांव को प्रगति की दिशा दे दी थी। मास्टर साहब ने एक समिति भी बना ली थी, ग्राम विकास समिति। इसमें गांव के बड़े बूढ़े और मुखिया तो थे ही, नव युवकों को भी साथ में लिया गया। तो क्या हुआ, जो भी काम हम सच्ची लगन और निष्ठा से करते हैं ना, वो हमेशा सफल होता है ऐसा काम। तो मास्टर साहब भी इतने प्रयास कर रहे थे तो उन्हें सफलता मिलनी ही थी। उनका लक्ष्य क्या था, व्यक्तित्व निर्माण करना, परिवार निर्माण करना और समाज निर्माण करना। और इस लक्ष्य को पूरा करने में जो बच्चे थे वो मास्टर जी का पूरा सहयोग कर रहे थे। वे पूरे गांव की सफाई करते थे, बरसात के दिनों में गड्ढे भरते थे और तो और मास्टर जी ने गांव की दीवारों पर सुंदर सुंदर सद्विचार लिखे थे। जो भी आते जाते व्यक्ति उनको पढ़ते, उनको उससे प्रेरणा मिलती थी। और मास्टर जी के ये सब प्रयासों की वजह से ही गांव जो है वो विकास की ओर बढ़ रहा था। और इसीलिए मास्टर साहब ने क्या किया, एक समिति बना ली गांव के विकास के लिए, जिसका नाम क्या रखा, ग्राम विकास समिति। और इस समिति में बड़े बूढ़े और मुखिया थे, लेकिन उन्होंने इस समिति में नव युवक जो थे उनको भी इसमें सम्मिलित किया था। आगे देखते हैं।